हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दीपालीज क्रिएशन। मैं हूँ दीपाली और आज मैं आपको एक सर्कुलर प्लाजो बनाना सिखाऊंगी इन अ सिंपल वे। सबसे पहले हमने ये कपड़ा लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि इसका अर्ज ज़्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डबल फोल्ड। ठीक है, फिर इसको हमें जो खुला वाला साइड है वहाँ से उठा के इसको बंद वाले साइड तक मिलाना है। मतलब हमको एक ट्रायंगल शेप क्रिएट करना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छे से इसको हम ट्रायंगल शेप में कर देंगे कुछ इस तरह से। और ये थोड़ा सा कपड़ा जो एक्स्ट्रा है इसे चाहें तो आप अभी निकाल सकते हैं या फिर इसे बाद में भी निकाल सकते हैं। इसको बिछाने के बाद हम यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। ऊपर जो कोना है और बंद साइड है उधर से हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर के निशान के लिए हमें कमर के साथ 4 इंच प्लस करके उसको 4 भागों में डिवाइड करना है। मेरे नाप में वो 8 इंच आता है तो हम ऊपर से पहले हम नीचे से 8 इंच नापेंगे फिर ऊपर से उसको सीधा करते हुए गोलाई में निशान लगा लेंगे। फिर जहाँ से हमने कमर का निशान लगाया है वहाँ से हम अपनी लेंथ नापेंगे। मेरी लेंथ है 36। ऐसे ही हम पूरे में राउंड घुमा के 36 पे निशान लगा लेंगे। पर ध्यान रहे हमें जो निशान लगाना है वो हमें ऊपर कॉर्नर से पॉइंट से लगाना है जिससे कि हमारा प्लाजो ऊंचा नीचा ना रहे। एकदम मिलाते हुए हम पूरा गोल निशान लगा लेंगे एकदम सर्कल जैसा। मेरा कपड़ा थोड़ा बड़ा ही अर्ज का था इसलिए मुझे इसमें जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी किसी का कपड़ा बहुत थोड़े छोटे अर्ज का होता है तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की साइड में पीस जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है बट लेकिन हमारा कपड़ा फुल लेंथ का था तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरा अच्छे से निशान लगाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बंद साइड से कमर का निशान लगाया यहाँ 8 इंच का और उसको गोलाई में ले लिया है और यहाँ से लंबाई का निशान लगा के उसको पूरा सर्कल कर लिया है। अब हम कटिंग करते हैं इसकी। पहले हमने कमर की साइड से इसको कट कर लिया। इसको कट करने के बाद हम नीचे की साइड से इसको सीधा सीधा गोल गोल कट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द जो हमने निशान लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें स्विंग अलाउंस ज़रूर छोड़ दीजिएगा 1/2 इंच का। अब आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हो गई है पूरी। ये कमर ऊपर से कट गई और नीचे से कटिंग हो गई इसकी अच्छे से। अब हम यहाँ से क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे तो हम 2 इंच बेल्ट का छोड़ के 10 इंच पर क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे और अंदर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे जिससे कि हमें प्लाज़ो सिलते वक्त और फिर जब हम बैठें तो हमें परेशानी ना हो। उसको हम मिलाकर ऊपर सीधा कर लेंगे और सर्कल में कमर से मिलाते हुए एक सर्कल जैसा, हाफ सर्कल जैसा बना लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। फिर हम उसको कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्रॉच एरिया। इसको जब हम जॉइंट करेंगे तो हमें बैठने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप लोग चाहें तो इसमें रुमाली वगैरह भी लगा सकते हैं जैसे मुस्लिम्स लोग होते हैं जो रुमाली के बगैर नहीं पहनते कपड़े, तो आप लोग इसमें रुमाली वगैरह भी अटैच कर सकते हैं लेकिन मैं इसको ऐसे ही जॉइन करूँगी। इधर से जो जुड़ा हुआ था पार्ट हमने उसको भी अलग कर लिया है। अब हम इसको खोल कर देखेंगे। कुछ इस तरह से हमें ये मिला है। ये हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब हम इसका बेल्ट कट करेंगे। मेरे पास जो बाकी बचा हुआ कपड़ा था मैंने उसको ले लिया है और रैंडमली मैं 4 इंच का बेल्ट कट करूँगी जिससे कि मैं जब उसको मोड़ूंगी तो 2 इंच का रह जाएगा।
मैं इस पे 4 इंच का निशान लगाऊंगी। पूरे में 4 इंच का निशान लगा लेंगे और एक सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको कमर का साइज़ के अकॉर्डिंग नाप लेंगे और सीधा सीधा इसको कट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कटिंग कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।